जय श्री राम भाई बहनों, हम निकल गए थे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके। तो हम सोच रहे आज का रेस्ट होगा हमारा भरतपुर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई बहनों। ठंड बहुत पड़ रही थी, बहुत ज्यादा, कुछ दिख रहा भी नहीं था। 5 फुट के आगे आगे मतलब कुछ दिख रहा भी नहीं था। आप देख सकते हो, ओ भाई साहब जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी ना कि हमको कुछ दिख रहा ही नहीं था आगे। आप देख सकते हो चारों तरफ इतनी धूप धूप ली थी ना, हमको कुछ दिख रहा भी नहीं था कि हम स्केटिंग चलाए तो चलाए क्या। इतनी धुंध हो गई थी, आप देख सकते हो, इतनी मॉर्निंग में धूप थी। फिर हमने सोचा, अब बहुत पापा ने कहा कि बहुत ठंड पड़ रही है, फिर रूम में जाके बैठ जाओ। तो हमने सोचा क्यों ना बैठे रहे, इससे तो अच्छा बालाजी के दर्शन ही हो जाए। इस वजह से हमने सोचा 2 किलोमीटर ही तो है, तो हम निकल चुके हैं स्केटिंग पर के। जय श्री राम बालाजी के यहाँ पर। फिर हम गए तो खरीद दोस्तों, तो आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है, और ये जैसा लग रहा है कि आप हम कश्मीर आ गए हैं। और हम सोच रहे हैं कि ऐसी ठंड में बाहर निकला जाए कि नहीं जाए। और राम भक्त तैयार हैं अपना सफर तय करने के लिए। देख सकते हो आप स्केटिंग पहन चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 7, और 7 बजे ऐसा कोहरा मचा हुआ है आप देख सकते हो। और इस कोहरे में ये राम भक्त अपना सफर तय करेंगे स्केटिंग का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। आगे आपको कोई इंसान दिख रहा है? दिख रहा है भाई साहब? कुछ भी नहीं, बस दिख रही है, बस वो भी नजदीक पड़ी इसलिए। ना पीछे कुछ दिख रहा है, ना आगे कुछ दिख रहा है। कलकत्ता नाम धुंधला धुंधला दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे कड़ाके की ठंड में ये भाईजन जो बच्चों की साकरी करते हैं, और देख सकते हो ऐसे झोपड़ी में रहते हैं ये, और झोपड़ी के पास में ऐसी ठंड में रहना, सलूट इन भाईजनों को। चारों तरफ देख सकते हो आप कोहरा ही कोहरा है। निकल पड़े, देख सकते हो कितना धुतला धुतला था, मतलब कुछ दिख रहा भी नहीं था। ओ भाई साहब, हमारे पैर वगैरह सब धुंध रहे थे, इस वजह से हम पैका पैक हो गए थे। आप देख सकते हो कुछ मतलब आगे दिख रहा भी नहीं है। ओ भाई, फिर हम 10 बजे देखकर हम बालाजी के दर्शन कर जाए तो भी बहुत ठंड थी। हमने सोचा अभी बालाजी के दर्शन तो करने ही होंगे, क्योंकि फैसला लिया है तो पूरा ढंग से करना ही है। जैसे हम अयोध्या जा रहे हैं तो बालाजी के मंदिर भी जा ही लेंगे। आप देख सकते हो कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और पीछे पीछे दो गाड़ियां चल रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। और लोग तो चलते चलते पूरे पैक पैक खो के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी निकल जाते हैं। हम 5 बजे पैक पैक होके खड़े थे कि हम बालाजी के दर्शन करने जाएंगे। फिर हमने सोचा कि 6:30 बजे दर्शन तो होते हैं। फिर हमने सोचा बहुत ठंड पड़ रही थी, इस वजह से हमने थोड़ा रेस्ट भी लिया क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी। और बाकी तो गाड़ी में बैठे थे हम, मतलब स्केटिंग पे कितने बड़े राम जी के भक्त हो गए ना। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, आप देख सकते हो कुछ आगे मतलब दिख रहा भी नहीं था। पहले तो ये हमको गाय दिख रही है, आपको भी पहले तो ये गाय भी नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था हमको। आप देख सकते हो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और आपको भी अभी आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा। फिर आगे जाके देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। सब तो अंदर बैठे थे, राकू भैया भी अंदर बैठे थे, आप देख सकते हो। फिर लोगों ने कहा कि यहाँ पर गाड़ी रखना मना है, गाड़ी ले जाना मना है, इस वजह से पापा इन्होंने कहा गाड़ी ले जाना मना है। तो है ना, अपन गाड़ी यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम चलते चलते जाते हैं। फिर राकू भैया की राघु भैया को इतनी ठंड लग रही थी ना, आप देख सकते हो मास्क वगैरह पहन के तापने लग गए। हम तो चल रहे और ये ताप रहे, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। नाइन साल से करते राघु भैया हमारे साथ, आप देख सकते हो। फिर हम आ गए थे बालाजी मंदिर। फिर हमने स्केटिंग वगैरह उतारी, क्योंकि स्केटिंग पहनेंगे तो भगवान पाप करेंगे, लोग सब लोग कहते हैं। इस वजह से पापा इन्होंने भी जूते उतारे। फिर मैंने लगाया जय श्री राम का टिक।
था। अब देख सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा तो पापा ने देखा भी नहीं था, फिर मैंने कहा पापा मुझे जय श्री राम का तिलक लगाना है। देख सकते हो कितना अच्छा है, जो बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और फिर मैंने स्कैनिंग वगैरह उतारे, आप देख सकते हो। और इन कैलाश के भी उन्होंने लगाया टीका, और बहुत अच्छा लग रहा था। जय श्री राम का तिलक लगाया गया, मैंने पहली बार लगाया है ये तिलक, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आग थी तो मैंने भी ताप लिया थोड़ा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, इस वजह से मैंने हेलमेट वगैरह उतारा ही नहीं, इतनी ठंड थी। और देख बड़ाप्पा पता नहीं क्या बोल रहे थे, और बड़ाप्पा कह रहे थे सबके लगा दो पर मेरे मत लगाओ। और फिर राकू भैया ने भी कहा मेरा भी वीडियो बना दो, इन सबका बनाया कि राकू भैया ने बहुत चिटिंग हो रहा है, हम बनाए ना तो उनके भी बनाना ही होता है, बोले सब कुछ भी होता, देख सकते हो आप। और फिर हमसे भी थोड़ी बड़ी एक्शन कर लेते वो तो। फिर राकू भैया है ना इतनी चिटिंग हो रहे, राकू भैया कहते सब लोग तिलक लगा रहे तो मैं पीछे की रहूं। फिर है ना राकू भैया को हमारी चिटिंग ही करनी होती है, हम लगाए वो इनको भी लगाना होता है। फिर राकू भैया ने शॉट लिया, हाँ बहुत अच्छा लगा। हम फिर हम मंदिर के अंदर चले गए, भीड़ हद से ज्यादा आती। ओ माय गॉड, और देखो कितनी अच्छी अच्छी लोकेशन है, जय श्री राम लिखा हुआ है सब जगह, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सबको देख रही थी इतनी अच्छी लोकेशन। मैं बालाजी तो फर्स्ट बार आई हूँ, पर मेरे बड़ाप्पा ये तीसरी बार था, मेरे बड़ाप्पा आए थे और देख सकते हो। और यहाँ पर गेट बंद था तो हमने सोचा आगे चले जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और देख सकते हो एक और गेट बंद था। फिर हमने सोचा, मेरे बड़ाप्पा कह रहे थे कि आगे गेट खुला होगा, हाँ तो हमने सोचा कि आगे गेट खुला होगा, तो फिर हम चले जाते हैं। फिर हम चले गए आ गए थे, इतनी बड़ी लाइन थी, ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था मेरा सर ही दुख जाएगा इतनी बड़ी लाइन देख के। मतलब कि बालाजी के यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन, इतनी खुशी की बात होगी ना। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हम पहुँच तो गए थे 6:30 बजे, पर हमारे कितना लेट हो गया लाइन की वजह से। हमने सोचा था जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। देख सकते हो राकू भैया पता नहीं क्या कर रहे थे, उनके अंदर भूत घुस गया होगा ऐसा कर रहे थे, कोई बोला कोई भूत भूत प्रेत आ गया उन्हें ऐसे। देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर मेरे फ्रेंड पापा ने मुझे टेढ़ा, क्योंकि मुझे जय श्री राम की नारा लगाना छोटी है, मैं किसको दिखूंगी, कौन गा रहा है, सब लोग नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे, कौन गा रहा है कौन गा रहा है। हाँ तो मैंने सोचा चलो टेढ़ा टेढ़ा ही ले ले। बनाया हाँ कि है ना गाइस, देख सके और मेरे भाई बहन देख सके, चुपके चुपके राकू भैया ने बनाया था। एक बार तो पुलिस भैया है ना, वो भी नया लाया वो फोन 15 प्रो छीनने वाले थे। फिर है ना मेरे बड़ाप्पा ने बचा लिया, क्योंकि राकू भैया की तो बहुत फटती है इस वजह से। हाँ इसलिए फिर हमारे दर्शन करते हुए बाहर, फिर हमने स्कर्ट वगैरह पहने, फिर हमने किया टेस्टी टेस्टी
नाश्ता देख सकती हूँ। कचोरी और आपको पेट भी फेंक मार रहे थे, कह रहे थे मैं असली में कर सकता हूँ। पहले इनके कचोरी की मतलब ढेली थी, कह रहे थे कि मैं है ना हाथों में लेके ना कचोरी को उल्टा पटक सकता हूँ। मैंने कहा चलो झूठ दे, फिर है ना क्या करके बता दूंगा, पर है ना तुम भरोसा नहीं करोगे क्योंकि ये दुकान वाले भैया करने नहीं देंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ा क्योंकि हाईवे रोड था ना, इस वजह से देख सकती हूँ कितनी धूम थी। 10 बज गए थे तो इतनी सारी धूम, ओ माय गॉड। देख सकते हो पापा वीडियो बना रहे थे और वो है ना कोई भैया थे जिनको मैं जानती हूँ। आधे भैया को तो मैं जानती नहीं, तो भी कह लेती हाँ मैं जानती। फिर अंकल जी हमारे पीछे आए, आप देख सकते हो भागते भागते हुए भागते भागते जय श्री राम के नारे लगाते हुए। फिर हम आगे बढ़े, आगे आगे थोड़े 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 करके, क्योंकि ठंड बहुत थी। लोग कह रहे थे कि है ना अभी तो इतनी सी ठंड है, अपन तो दोपहर तुम दोपहर में जाओगी ना 3 बजे तो भी है ना धुतला धुतला दिखेगा तुमको। फिर मैं तो डर गई थी, पर कोई नहीं राम जी अपने साथ है। फिर मैं धीरे धीरे करके निकल पड़ी और देख सकते हो उन भैया से मैंने बात की, और क्योंकि चलते चलते बात करनी चाहिए क्योंकि फिर लेट हो जाएगा ना इस वजह से। फिर हम आगे बढ़ते रहे धीरे 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 करके, देख सकते हो राघव भैया पीछे से शॉट कर रहे थे हमारे। मैं भी कहने वाली थी राघु भैया इतनी अच्छी लोकेशन आप उतारो, और पीछे देखा जब तक तो राघु भैया शॉट ही उतार रहे थे। दर्शन आ गया था कि कभी कभी राघु भैया शॉट नहीं उतारते ना, इस वजह से मुझे कहना पड़ता है राघु भैया बहुत आलसी है, सो जाते हैं कुछ कुछ कभी कभी, तो कि साथ में आइए वीडियो वगैरह उतार दूं। लेकिन नहीं उनके तो सोना ही है गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ फिर देख सकते हो दादाजी ने हमको जय श्री राम किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम आगे बढ़े। आप देख सकते हो और यहाँ पर भी भीड़ लगी थी, पर उन्होंने हमको रोका नहीं क्योंकि वो सोच रहे होंगे इनके लेट हो रहा होगा ना, इस वजह से जय श्री राम के नारे लगाए और हमारे साथ चल पड़े। फिर हम चले और मैं सोच रही हूँ कि है ना आपको आगे से आगे बताते रहूं। फिर एक और अंकल जी आए जिन्होंने हमको राधे राधे का माला पहनाई, राधे 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 राधे, क्यों जय श्री राम के ऊपर जा रहे तो राधे राधे भी तो बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। देख सकते हो उन्होंने हमारा नाम पूछा और मतलब चरण अपस्तिंग कर रहे थे, तो भी हमने मना कह दिया कि आप हमसे बड़े हो, आप थोड़ी करोगे हम करेंगे। कह रहे हो कि आप तो हमको तो राम जी मिल गए, शोभा शोभा राम जी के दर्शन हो गए। फिर हमने जय श्री राम के नारे लगाए, फिर हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। आप देख सकते हो फिर हमने माला उतार दी क्योंकि दोनों को है ना एक ही पहनाई थी ना, इस वजह से हम साथ साथ तो चलते नहीं, साथ साथ चलेंगे तो स्केटिंग अटक जाएंगे। इस वजह से देख सकते एक और भैया ने जो कि कैमरा था उनके पास, पापा ने कहा मैं एक बार मैं ले आता हूँ आप सब ग्रुप में जाओ। हाँ फिर हम देख सकते हम धीरे 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 आगे बढ़े और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, एक और भैया मिले थे हमको। फिर हम थोड़ा खाना खाने के लिए रेस्ट लिया और हमने टायर में थोड़ी हवा भरवाई और देख सकते हो आप हमको भूख जोर से लगी थी। फिर हम खाना खा के रवाना हो गए, फिर हम चल पड़े आगे की ओर। हाँ फिर हेलाना का 10 किलोमीटर था, मैंने देखा मतलब जो भी बोर्ड आता है ना मैं सब देखती हूँ क्योंकि देखना तो पड़ेगा ही ना। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे
और फिर है ना मैंने देखा कि मोबाइल में अयोध्या कितना है, अयोध्या कितना है, तो मैंने देखा 450 से ऊपर है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे तो 7 दिनों में तो दर्शन हो ही जाएंगे, इस वजह से मैं बहुत खुश हो गई। फिर एक और भैया ने हमको रुकाया और उन्होंने हमारे साथ सेल्फी वगैरह ली, आप देख सकते हो। फिर वो हमारे पीछे पीछे चले जय श्री राम के नारे लगाते हुए। फिर हम भी बढ़ चुके क्योंकि राकू भैया है ना, जो कि हम है ना, मैं एक बार मैंने ट्राई लिया कि है ना, एक बार ट्राई करती हूँ मैं धूरी को ऊपर चढ़ पाती और नहीं चढ़ पाती, और राकू भैया को दौड़वाती हूँ। और फिर राकू भैया को ऐसा दौड़ाया ना, ऐसा दौड़ाया ना कि राकू भैया मुझे पकड़ ही नहीं पा रहे, और उनको है ना मर्द मतलब जरूरत नहीं उनको गाड़ी में बैठना ही पड़ा क्योंकि उनको वो तो हमारा हाथ भी टच नहीं कर पा रहे थे। फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और एक और भैया जिन्होंने मेरे साथ सेल्फी वगैरह खिंचाई और देख सकते हो आप, और एक और जन आए थे जिन्होंने हमारे साथ सेल्फी वगैरह खींची, फोटो वगैरह लिए और बहुत अच्छे अच्छे फोटो लिए, और देख सकते हो आप, तुमको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक ठंड बढ़ रही थी पर हम तो स्केटिंग चलाते ना, इस वजह से हमको तो पसीने छूटते हैं, आप देख सकते हो बहुत पसीने छूट रहे थे, इस वजह से हमने जैकेट वगैरह भी तोड़ दिया था। स्टार बन गई ऐसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज मैंने चश्मे नहीं पहने क्यों बोलूँ, मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहे थे, इस वजह से कभी कभी तो मैं पहनती हूँ, कभी कभी मैं नहीं पहनती, मेरा मन होता है तो पहनती हूँ, मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं पहनती, क्योंकि मैं दूसरों की मर्जी नहीं चलाती, ओनली वन राम जी की मर्जी। हाँ पापा का भी नहीं मानती हूँ, पापा ने तो मना कहा था अयोध्या जाने के लिए, तो भी मैंने थोड़ी पापा से जीत करी और चली गई कि बोली मम्मी से कहना 2 मिनट परमिशन ले लेती, और पापा से थोड़ी जरूरी लेनी होती है, मम्मी से तो नहीं पूछूंगी तो भी चलेगी, पर मम्मी से भी पूछना पड़ता है। फिर हम धीरे 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 करके आगे बढ़े, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे और हमको बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन आ रही थी, घास वगैरह, और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े और आगे चलते रहे। फिर एक आंटी ने हमको जय श्री राम बोला, मुझे उस वीडियो में बहुत हंसना आया था। फिर हम आगे बढ़े और फिर एक भैया और मिले हमको, देख सकते हो आप, मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी बहुत पसंद है। अकेला कह रहा था कि देखना ये मेरी गाड़ी रुकेगी, मैंने कहा नहीं रुकेगी, चली जाएगी यार, तो है ना उस ब्लैक कलर की गाड़ी में इसलिए रुकी कि 2-3 गाड़ी खड़ी, वो सोचने लगा कि 2-3 गाड़ी किसके लिए खड़ी है, अभी तो चल रही थी। फिर उसने भी रोक दिया, अकेला कह रहा देख मेरे लिए हमारे लिए भी बड़ा हर्ष का गौरव का विषय है कि इतने आज हमें रस्ते में मिल गए, और आप इनके पिताजी, आप बेटी के पिताजी हैं, बच्चे आपको एक साथ में मिलेंगे ऊर्जा। आप सभी को बहुत बहुत इतना आभार करूं, आप लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठान को एक उत्सव बनाने में आप लोगों की एक बहुत अहम भूमिका है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो अयोध्या धाम की, बोलो सनातन धर्म की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय मातरम, मातरम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय। फिर रात बहुत ज्यादा पड़ गई थी, आप देख सकते हो। फिर हमको हुए भगवान साहब जी के दर्शन। मैं तो इनके ऊपर से ही जाने वाली थी पर है ना, फिर हमको दर्शन हो गए। राघव भैया ने इनका शॉट भी लिया। फिर हम आगे बढ़ गए। रात बहुत पड़ गई थी, हमने सोचा आज भरत पूजा के रेस्ट लेते। तो आप देख सकते हो हम इस होटल में रुकने वाले हैं। जय जय श्री राम। होती भी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो अब सो जाओ। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम।